हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का वन शॉट वीडियो, ठीक है, जिसमें से पूरा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे शॉर्ट में, जितना हो सके शॉर्ट में। आप लोग वन शॉट वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद होल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 का कवर अप हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से पूरा टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, पूरा सभी फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, किस तरीके से आए हैं सब फॉर्मूला डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का वन शॉट वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शॉर्ट वाइज रखने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक विदाउट विदाउट एनी गैप आप लोग इसको फॉलो कीजिए, देखिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे और भी वीडियोस हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और एंजॉय कीजिए वीडियो को, ठीक है। सो आगे हम लोग जो लाने वाले हैं, थोड़ा हम लोग बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, कि किस तरीके से 2023 का पेपर आने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, डिफाइन सैंपल पेपर, वेरियस प्रीवियस ईयर पेपर को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे सभी चैप्टर का एज ए होल। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हाट इज करंट, ओके, करंट क्या है या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ओके, करंट। सो करंट को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम लोगों को देखने को मिलता है, राइट, कि करंट क्या है। वायर से हम लोग के घर में है, पास हो रहा है वायर से, तार से जो पास होता है ना करंट, वही तो हम लोग करंट बोलते हैं। तो करंट एक्चुअली होता क्या है, जो वायर हम लोग को देखने को मिलता है ना इस तरीके का, तो वायर के अंदर क्या होता है कि करंट ऐसा पास होता है। एक्चुअली इसको हम लोग डिटेल्स में अगर हम लोग बोलेंगे कि करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज, मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लो जब करेगा चार्ज, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, करंट, इतना सिंपल है। तो करंट का डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम लोग और स्पेसिफिकली हम लोग लिखेंगे व्हाट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी भी कंडक्टर से या फिर वायर से सपोज हम लोग कुछ टाइम के लिए कुछ चार्ज को अगर हम लोग फ्लो कराएंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट को अगर हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई मीन्स करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, राइट। हम लोग इसको बॉक्स करके रखते हैं, फॉर्मूला को हम लोग बॉक्स करके रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला काम में आएगा हम लोग को न्यूमेरिकल करते समय, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो दिस इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी यहां पे फॉर्मूला भी हम लोग को मिल गया, एस आई यूनिट ऑफ करंट, एस आई यूनिट ऑफ करंट जो होता है वो है एम्पेयर, AMPER, एम्पेयर हम लोग इसको शॉर्ट में कैपिटल ए से लिखेंगे। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनके नाम का फर्स्ट जो वर्ड, ये जो नाम है उनका फर्स्ट जो लेटर है उसके सिंबल रखा गया है, ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, जो ऐसा यूनिट ऑफ करंट है। और हम लोग और एक यूनिट लिख सकते हैं, वो है चार्ज बाय टाइम, चार्ज का जो है वो है कोलम, सी बाय सेकेंड, कोलम पर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक यूनिट, ठीक है, कोलम, सी 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 फॉर क्या, COULOMB, कूलम, ठीक है। कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, तो कूलम बाय टाइम। तो ये बन गया हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है, ये नंबर वन नंबर टू देख के रखते हैं, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने खत्म किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम लोग यहां पे पढ़ेंगे सर्किट, अगर हम लोग बनाना चाहते हैं, और सर्किट क्या है, सर्किट कंपोनेंट को हम लोग पढ़ेंगे, सर्किट कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए किन किन कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सर्किट डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मिलेगा कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, वायर तो हम लोग को चाहिए,
नंबर टू चाहिए स्विच, स्विच और की। हम लोग को स्विच तो चाहिए, नहीं तो लाइट हर समय तो ऑन रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्विच। थर्ड नंबर चाहिए सेल या फिर बैटरी। सबको पता है कि बैटरी और सेल क्या है, एक सोर्स है, ठीक है। नंबर फोर बल्ब, ठीक है, बल्ब चाहिए। जलाने के लिए तो बल्ब चाहिए ना, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रहा है, किससे पता चलेगा, बल्ब से। फाइन, ओके। तो ये चार कंपोनेंट मिनिमम चाहिए। तो अभी हम लोग सर्किट डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम। ये थर्ड नंबर टॉपिक है, ठीक है, इन चीज को हम लोग यूज करके। तो सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, देखिए सर्किट डायग्राम, सर्किट कंपोनेंट को यूज करके, राइट। तो सपोज हम लोगों ने ऐसे एक बल्ब को लगाया, ये है एक सिंबल बल्ब का, राइट, इस तरीके का बल्ब, बी से हम लोग लिखते हैं बल्ब। और ये सब जो दिख रहा है वो है कनेक्टिंग वायर, वायर को हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अभी इस वायर को हम लोग एक, ये किसका सिंबल है, ये एक बैटरी का सिंबल है, राइट, या फिर सेल का सिंबल है, सेल। और यहां पे एक की हम लोग यूज करेंगे या फिर स्विच भी, ठीक है। बैटरी को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बाद में जानेंगे। तो ये है, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज सेल। सेल यानी कि सिंगल जो होता है वो सेल बोलते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन का सेल होता है, एक ही सेल होता है, और बैटरी मतलब बहुत सारा सेल एक साथ, ठीक है, इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं इस तरीके से। जैसे कि टॉर्च में दो या तीन बैटरी हम लोग यूज करते हैं, दो सेल यूज करते हैं, वो एक साथ होता है बैटरी। तो थोड़ा याद रखना है। और ये क्या है की, इसको हम लोग इस तरीके से बंद करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बंद करेंगे इसको, यहाँ पे बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है जिसके हेल्प से हम लोग एक बल्ब को यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सर्किट कंपोनेंट। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो बन जाएगा नंबर फोर, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। हम लोगों ने वाटरफॉल देखा, वाटरफॉल आप बता सकते हैं कहां से कहां गिरते हैं, डेफिनेटली इसके लिए एक माउंटेन चाहिए, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है कि नहीं, इस तरीके से। अगर ये एक माउंटेन है तो यहां से पानी गिरेगा इस तरीके से, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में, यानी कि हर समय जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हाई पोटेंशियल, और नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे लो पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे सेल या फिर बैटरी के लिए भी कुछ ऐसे ही होता है। सपोज ये हम लोगों ने इस तरीके से, सपोज यही सर्किट हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे बल्ब इस तरीके से कनेक्ट हो गया सेल। तो ये वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे बल्ब है अंदर, ठीक है। पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा हाई पोटेंशियल, क्या है ये, हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो बन जाएगा लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के ऊपर एक अलग सा वीडियो मैंने बना के रखा है, आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 में जाके सब वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा और डिटेल्स में हम लोगों ने उसको समझाया है, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, करंट जो है ऑलवेज करंट हाई टू लो फ्लो होता है पानी की तरह, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा करंट, फिर वापस लो पोटेंशियल में जाएगा, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऑलवेज फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस तरीके से समझाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझाएंगे कि द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव
यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका चार्ज 1 कूलम है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, और इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द मेन डेफिनेशन जो हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है, यानी कि बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि 9 वोल्ट का बैटरी, तो 9 वोल्ट क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सपोज पीडी लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, एक डिवाइस का नाम है विच इज नोन एज वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, याद रखना, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन में, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, पैरेलल कनेक्शन में ऑलवेज वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है, मैं मार्क करके दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगा आप लोगों को। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर, दिमाग के अंदर बिठा लेना है, क्योंकि ये ही एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड में, ठीक है, छोटा छोटा चीज को गौर करने वाला, गौर करना पड़ता है, ठीक है, तभी तो हम लोग को 100 out of 100 मिलेगा, हमें तो 100 चाहिए, 90 तो सबको मिल जाता है यार, ठीक है ना। चलो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों ने बोला था जो भी होगा वो है वर्क डन, क्या लिखा था देखो, वर्क डन टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, ये बन गया हम लोग का दूसरा फॉर्मूला, तो ये भी हम लोग को लिखना है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, याद रखना है वोल्ट, वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, वी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट किसका, वी का, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, ठीक है, तो वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम से ही दिया गया है वोल्ट, ओके फाइन, चलो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पे, कितना नंबर टॉपिक है ये, फिफ्थ नंबर टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक आ जाएगा, मच इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज ओहम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक पार्ट है ओहम्स लॉ। ओहम क्या बोलता है, ओहम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ओहम बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, सिंपल बताता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, कब, इफ, यहां पे कंडीशन बताया, इफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ओ टी एच ईयर, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज सच एज, जैसे कि टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख लो टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, ठीक है, एसेट्रा रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये सब कॉन्स्टेंट होने से ही ये वाला वी जो है प्रोपोर्शनल टू आई रहेगा, याद रखना है, यानी कि वी प्रोपोर्शनल टू आई कब रहेगा, इफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर, मैं अगर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं जहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है एसी के अंदर या फिर धूप में, तब नहीं होगा बाबा, तब ओम्स लॉ यहां पे वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है, वो सब कांस्टेंट रखना होगा, तभी वी प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग 2 वोल्ट का एक बैटरी लिया, ठीक है, इसमें जितना करंट जाएगा, हम लोग अगर 5 वोल्ट लिया, वोल्ट को बढ़ाया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा, समझ में आया, कम करने से कम हो जाएगा, यही बताया, सिंपल ओम्स लॉ। तो यहां पे कांस्टेंट अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाते हैं, तो V इक्वल टू I इंटू आर, ये है ओम लॉ का मेन इक्वेशन। R क्या है, यहाँ पे R इज कॉन्स्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस जिसका ऐसा यूनिट यूनिट है ओहम, OHM, ठीक है, ओहम ऐसा सिंबल है। ओहम क्या है? ओहम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस यानी कि इंग्लिश में क्या होता है रेजिस्टेंस? कितना रोक सकता है, ठीक है, करंट का फ्लो को कितना रोकेगा, वही है रेजिस्टेंस। समझ पाए? डिफरेंट वायर से अगर करंट पास करेगा तो डिफरेंट हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस वही है, डिफरेंट वायर में कितना डिफरेंट होगा वही हम मेजर करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस हम लोग अलग तरीके से भी यहां पे लगा सकते हैं, राइट। तो दिस इज रेजिस्टेंस, ओके। तो यहां पे अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे वी वर्सेस आई, क्या बनेगा? वी इस साइड में है, आई इस साइड में है, तो वी वर्सेस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन इस तरीके से, क्योंकि वी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा अगर फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेगा तो, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा लोग? समझ में तो आना चाहिए, इतना इजी वे में पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट कितना टॉपिक है? नेक्स्ट ओम फ्लो चला गया, सिक्स सिक्स नंबर टॉपिक है कि नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं इस बार के लिए मच मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना मच मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। ये एक ब्रिज है, क्या है ये ब्रिज? यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी है कि नहीं, ब्रिज में तो गाड़ी रहेगा ही, सपोज ऐसा। और तुम्हें क्या करना है? तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुम यहाँ पे हो, तुम्हें ये ब्रिज को पार करना है, बीच में क्या है? गाड़ी है। तुम क्या करोगे? धीरे धीरे ऐसे जाओगे, सीधा जाके ऐसे जाके ऐसे जाके गैप गैप में निकलोगे, है कि नहीं। यानी कि अगर यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं रहता तो तुम सीधा दौड़ सकते थे बहुत फास्ट, बट यहाँ पे गाड़ी होने के कारण तुम्हारा जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही पार्ट है, अगर ये ब्रिज का लेंथ अगर हम लोग और भी बड़ा कर देंगे तो और भी ज्यादा गाड़ी आ जाएगा और तुम्हारा जो है स्पीड कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस और ज्यादा दे रहा हूं गाड़ी देके, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितना बड़ा हो जाएगा उतना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। अगर हम लोग सपोज इसको, ये जो ब्रिज है इसको हम लोग यहां से कम करके, ओके, हम लोग इसको और मोटा कर दिया, यानी कि यहाँ पे गैप बढ़ जाएगा और तुम बहुत इजीली जा पाओगे, यानी कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है कि नहीं। समझ में आया? देखो, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, एरिया को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस कम हो गया, वेरी सिंपल। अब इन दोनों को मिलाने से इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, सेम चीज होता है वायर के अंदर। वायर के अंदर बहुत सारा जो एटॉम्स होता है, आयन्स होता है, वो गाड़ी की तरह रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल टू L/a, यहाँ पे और चीज आएगा, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को उठाने के लिए हम लोग को एक कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा जिसका नाम है रो, L/a। तुम लोग को पता है ऑलरेडी, थोड़ा तो रिवाइज कर रहा हूँ हम लोग, है कि नहीं। आर इक्वल टू रो L/a। अभी रो का क्या मसला है? रो का, रो क्या चीज है? रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। ये ना ही कोई लेंथ, गौर से सुनना, ना ही कोई लेंथ, ना ही कोई एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल के, जैसे कि कॉपर के लिए एक रेजिस्टिविटी। अभी कॉपर छोटा हो, इतना छोटा हो कॉपर का टुकड़ा, या फिर इतना मोटा हो कॉपर का टुकड़ा, दोनों तो कॉपर ही है ना, Cu, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। समझ में आया? लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हाँ एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। क्वेश्चन आ सकता है कि किन चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ओनली ऑन अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना, टेम्परेचर के ऊपर ही सिर्फ ये डिपेंड करता है। रेड मार्क करके देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर कौन? रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी का तो कुछ ऐसा यूनिट रहेगा ना, क्या है ऐसा यूनिट? इसका ऐसा यूनिट इज, याद रखना है, ओहम मीटर, ठीक है, ओहम इंटू मीटर, मैंने डैश दे दिया, कोई बात नहीं, ओहम मीटर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, ओहम मीटर रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट करेंगे वो है
सीरीज पहले अभी रेजिस्टेंस तो हम लोग को मिल गया 7 नंबर टॉपिक। अभी रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टेंस जो है हम लोगों को हम लोग के पास अभी रेजिस्टेंस को हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। एक नंबर क्या है, एक है सीरीज। सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे इसका मतलब क्या है, सीरीज कनेक्शन मींस तुम लोग को शायद पता ही है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, सपोज 3 रेजिस्टेंस को हम लोगों ने इस तरीके से लगाया। यहाँ पे गौर करने वाले बात एक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, सपोज ये है R1, R2, R3, ठीक है की, और ये प्लस माइनस ये भी, इतना क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैं अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो करंट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पास होता है, बहुत बढ़िया, इतना पता है। अभी जो करंट है वो सेम फ्लो होता है तीनों रेजिस्टेंस से, यानी कि इन सीरीज। ठीक है, करंट रिमेन्स सेम, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ये दिमाग में बिठा लो, ये बात दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इससे इसी इसी लाइन के हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो करंट क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि तीनों से सेम करंट पास होगा, आई आई आई, फिर वापस आई, ऐसे ही आएगा आई। समझ में आ गया। अभी इसका यहाँ पे अगर ये बात समझ में आ गया है तो यहाँ पे आर एस, यानी कि तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस कितना होगा उसके लिए आर एस, हम लोग सीरीज के लिए इसलिए एस लिखा। सिंपल इनको प्लस कर देना है R3, समझ में आ गया। सिंपल इनको क्या करना है, प्लस करना है, बस वही। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा देखे, फाइंड द टोटल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस, तीनों को प्लस कर देना है, इतना ओहम। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि पैरेलल कनेक्शन नंबर 2। नंबर 2 क्या है, पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से होता है, देखो पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे 2 पॉइंट देता हूं, इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ऐसे होता है पैरेलल कनेक्शन। सपोज ये है R1, ये है R2, ये है R3, और यही से एक ही जगह से यहाँ पे क्या खींचा, इस तरीके से खींचा। तो इस टाइप का जो कनेक्शन है वो है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, 2 पॉइंट से हम लोग कनेक्शन करेंगे सभी को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में गौर करने वाली बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पी डी लिखता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट चेंज होता है। कैसे देखा था, अभी देखो करंट जो है यहां से आएगा इस तरीके से, आई फ्लो होगा। अभी यहां पे ए पॉइंट में जाके क्या दिखेगा, यहाँ पे 3 रास्ता दिखाई देगा, है कि नहीं, 3 रास्ता से ये जाएगा, इस साइड से I1, इस साइड से I2, इस साइड से I3, जाके वापस B में तीनों एक साथ मिल जाएगा, मिल के फिर वापस I मिल जाएगा उसे। समझ में आ गया, 3 डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस A और B के अक्रॉस सेम रहता है, भी रहेगा तीनों के अक्रॉस। समझ में आ गया, ये बात गौर करने वाली बात है। और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हो जाएगा 1/RP, P यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, इक्वल टू ये इनवर्स फॉर्मूला हो जाएगा 1/R2 और 1/R3, ये बन जाएगा क्या, हम लोग का अल्टीमेट फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, इस इनके इन दोनों जो फॉर्मूला मिला सीरीज पहले, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, कितना नंबर है, 8 नंबर टॉपिक। 8 नंबर टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक ही दो टॉपिक बाकी है ये पूरा चैप्टर खत्म होने में। समझ में आ रहा है इतना, तो एटलीस्ट कमेंट करके बताओ कि इतना समझ में आ गया, इतना तक प्रॉब्लम है, ये वाला टॉपिक प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, ये वो, बट कमेंट करो।
ठीक है, कमेंट करने से मुझे हेल्प होता है कि क्या क्या चीज समझ में आ गया, क्या क्या चीज समझ में नहीं आ गया, वो मुझे पता चलता है। ठीक है, चलो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या है? करंट जब भी किसी चीज से पास होता है वो गर्म कर देता है। सिंपल, क्या करता है? गर्म कर देता है। करंट इज हॉट, हॉट हॉट है बहुत। ठीक है, दूसरा चीज मत समझना, हॉट का मतलब बहुत चीज होता है, मुझे पता है तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। हॉट करंट होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हॉट होता है, यानी कि यहाँ पे एक चीज आएगा, वो है जूल, जूल्स लॉ। जूल ने क्या बताया कि कर हीट जो है, यहाँ पे हीट, एच, एच फॉर क्या, हीट, हीट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, आई स्क्वायर। करंट जितना जाएगा उसका स्क्वायर करके वो हीट बनाएगा। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई, हीट यानी कि करंट में प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू टी यानी कि टाइम, जितना देर तक हम लोग पास करवाएंगे करंट को एक कंडक्टर से उतना ही ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? तो तीनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे जो कांस्टेंट बनता है वो 1 होता है, तो इसलिए हम लोग का जो फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर टी। बस ये बन गया हम लोग का फॉर्मूला। पे क्या हो गया भाई? हाँ, इस तरीके से बॉक्स कर लो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ओहम्स लॉ यूज करते हैं, वी इक्वल टू आई आर, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज आता है, ये बन गया क्या, इतना जूल्स ऑफ हीटिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वी इक्वल टू आई आर यूज करते हैं, जो ओहम्स लॉ है, ठीक है, हम लोग को बताया, तो आर इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, तो एच क्या बन जाएगा, देखो आई स्क्वायर आर के जगह पे वी बाई आई इंटू टी, तो यहाँ पे एक स्क्वायर आई कट जाएगा, तो एच इक्वल टू वी आई टी, ये और एक फॉर्मूला बन गया वी आई टी, है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला पे आई को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, आई इक्वल टू क्या बनता है यहाँ से, वी बाई आर, ओम्स लॉ से ही बनता है, तो आई के जगह पे अगर हम लोग वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि आई स्क्वायर आर टी, तो आर आर एक कट जाएगा, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो और एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। तो तीन फॉर्मूला हम लोग को मिलता है, और तीनों फॉर्मूला को क्या करना है बताओ, एक कागज में लिखना है, जो जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का, तुम लोग का जो पढ़ाई का टेबल है उसके सामने लगा देना है, बस वॉल में चिपकाओ इस तरीके से। देखो मैंने भी लिख के रखा है, बट ये फॉर्मूला नहीं है, कुछ अलग चीज है। ठीक है, तो इस तरीके का वॉल में चिपका के रखो, तो फॉर्मूला याद रह जाएगा, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, जितना भी भूलना चाहोगे ना भूल नहीं पाओगे, बस सिंपल। ठीक है, चलो इतना हो गया। तो यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट है इसका कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे है। ठीक है, एप्लीकेशन एक तो होता है कि हीटिंग इफेक्ट हम लोग को बहुत, हम लोग को नहीं, हीट कर देता है, कुछ भी वायर से पास कराओ हीट कर देगा, बट इसका एक प्लस पॉइंट भी है, इसका कुछ एप्लीकेशंस भी है, जैसे कि एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग कपड़ों को समान करते हैं, कपड़ा को आयरन करते हैं, तो ये एक हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक निक्रोम वायर है, जो जिससे जब करंट पास होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होने से जितना रेजिस्टेंस होगा ज्यादा उतना क्या बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तो इसी का इलेक्ट्रिक आयरन, या फिर टोस्ट खाते हो तुम लोग, टोस्टर, ठीक है, हीटर, रूम हीटर, रूम हीटर जो होता है, देखते हो ना रूम हीटर, लाल हो जाता है दो फिलामेंट का, उसके अंदर भी निक्रोम एयर होता है। ठीक है, रूम हीटर, ओवन होता है, केटल होता है, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन, वो सब होता है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज आएगा, वो है फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट बल्ब यानी कि इस तरीके का होता है बल्ब, इस तरीके का तुमने शायद देखा ही होगा, इस तरीके का बल्ब ऐसा,
और यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिलामेंट होता है, ठीक है। ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है, याद रखना है, ठीक है। ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सी, बहुत ज्यादा होता है, 3380, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि ये जो है ना, हीट के साथ, हीट तो देते ही है प्लस लाइट भी देता है, हीट और लाइट दोनों एक साथ देता है। तो याद रखना है ये क्या है, टंगस्टन, ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। यहाँ पे और एक है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट इस बार के लिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट। वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट में फ्यूज, सबके घर में फ्यूज रहता है। अपने पापा मम्मी को बोलना कि मम्मी पापा मुझे फ्यूज दिखाओ घर का, वो दिखाएंगे, ठीक है। एक इस तरीके का छोटा सा होता है फ्यूज, उसमें क्या रहता है, एक वायर रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक रहता है, ऐसे कनेक्ट रहता है इस तरीके का फ्यूज, और ये एक बॉक्स के अंदर होता है, तो ये फ्यूज वायर है। फ्यूज वायर जनरली एलुमिनियम, कॉपर, वो सब मिक्सचर होता है, लेड, पीबी लेड, आयरन, ये सब का एलॉय के साथ मिक्स करता है, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है जब करंट हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, कुछ भी चीज हद से ज्यादा बढ़ना बहुत खराब होता है। तो क्या खराबी करता है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी कि टीवी, फ्रिज, जो जो एसी सब कुछ है तुम लोग के घर में, उसको नष्ट कर देगा, गर्म करके नष्ट कर देगा। तो इससे पहले नष्ट करे उसको ही हटा दो, कैसे, ये फ्यूज वायर यूज करके। अब जैसे ही ज्यादा करंट यहां से पास होगा ये वायर से, उतना ज्यादा गर्मी हो जाएगा ये, और गर्म होने से ये ब्रेक हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। ये कनेक्शन टूटने से क्या होता है, पूरा लाइट चला जाता है, पूरा तुम लोग का करंट चला जाता है, ठीक है। यानी कि तुम्हें बचा देता है, तुम लोग का सब जो एप्लीकेशन है घर में, जो जो चीज यूज करते हो वो सब बच जाएगा, ठीक है। ये ऑलवेज सीरीज में याद रखना है, किसमें, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, याद रखना, ताकि पूरा करंट इसी वायर, छोटा सा वायर से फ्लो हो। याद रखना है फ्यूज वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, फ्यूज वायर सीरीज में कनेक्ट होता है, और किसके प्रिंसिपल के ऊपर चलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला, दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर फ्यूज चलता है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, बता रहा हूं पहले से ही। लास्ट में एक चीज आएगा, वो है इलेक्ट्रिक पावर, और ये लास्ट टॉपिक है, जितना भी नंबर हो, नंबर शायद भूल गया, हाँ 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क के जगह पे हम लोग हीट बोल सकते हैं या फिर एनर्जी बोल सकते हैं, जो कुछ भी हम लोग चाहे बोल सकते हैं, हीट एनर्जी वर्क सब सभी एक ही समान है, ठीक है। सबका जो ऐसा यूनिट है, तीनों का जूल है, जूल इज द ऐसा यूनिट किसका, हीट एनर्जी इन सबका। और पावर जो है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, बहुत इजी है, पी से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो है वर्क डन बाय टाइम, समझ में आ गया, या फिर और पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम, टाइम से डिवाइड कर देना, बस खत्म, हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हीट का फॉर्मूला हम लोग को मिला था I²RT, तो टी को हटा दो, I²R एक फॉर्मूला मिल गया, उसके बाद पी इज इक्वल टू VIT, अगर याद है तो VI बन जाएगा, P इज इक्वल टू I²R, तो I²R, ठीक है। तीनों देखो यही फॉर्मूला है, सिर्फ T नहीं है इसमें, ये वाला फॉर्मूला, ये एक, ये एक, ये एक, सिर्फ T को यहाँ से हटा दो तो बन जाएगा क्या, पावर। तो बहुत इजीली आप लोग इसका रिमेम्बर कर सकते हो, ये देखो भूल ही नहीं पाओगे ये वीडियो देखने के बाद, हो सके तो भूल के दिखाना चलो ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि भूल गया मैं। इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, बहुत बार पूछते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, WAT, कैपिटल W, ठीक है, तुम्हारा वाट लगा दूंगा, बोलते हो ना, है कि नहीं, तो यही है वाट, ठीक है। यहाँ पे कुछ और कुछ चीज यहाँ पे लिखता हूँ स्टार मार्क देके, ये है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी,
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है कॉमर्शियल यूनिट है किलो वाट आवर, याद रखना है KWH। जो हम लोग मीटर लगा होता है ना घर में, इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें अगर तुम लोग क्लिक करोगे, अभी तो डिजिटल बन गया, उसमें अगर क्लिक करोगे तो देखोगे इतना किलो वाट आवर, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वन यूनिट, वन किलो वाट आवर को हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्योंकि ये चीज याद रखना होगा, न्यूमेरिकल्स पे हम लोग देखेंगे इस टाइप का, वन यूनिट बोला है, ठीक है। तो वन यूनिट मतलब किलो वाट आवर में हम लोग को सिस्टम को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग के मन में एक डाउट आ रहा है कि पहले मैंने बोला था यहाँ पे जूल है कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि ऐसा यूनिट है जूल, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे बोला किलो वाट आवर, यस। तो यहाँ पे एक रिलेशन है दोनों के अंदर, ठीक है। वन किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, जिसमें भी लेके जाओ ये रिलेशन को यूज करके तुम लोग ट्रांसफॉर्म कर लो, तुम लोग को मिल जाएगा। तो आई होप ये जो पार्ट है पूरा पार्ट अभी खत्म हो गया, बस न्यूमेरिकल पार्ट बाकी है, और मैंने बहुत सारा वीडियो भी बनाया है न्यूमेरिकल के ऊपर। तो आप लोगों को क्या करना है कि देखो जाओ, और एक चीज कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, एंड अगर नया कुछ चाहिए तुम लोगों को तो कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चले कि क्या चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है, किन किन के ऊपर और वन शॉट वीडियो चाहिए, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12, कुछ भी हो, ठीक है, सिर्फ कमेंट करके बताओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। और यस, आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इसी चैप्टर के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर यानी कि अपकमिंग 2023 के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच, होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, मज़े करो, पढ़ डालो, बस चलो गुड बाय।